गुड़िया को थोड़ा सा जुकाम है और ऐसा भी लग रहा है थोड़ा सा बुखार भी है। एक बार टेम्परेचर लेंगे तो अभी गुड़िया को बुखार है 102.4। नमस्कार दोस्तों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेह लद्दाख की सीरीज में आप इंजॉय कर रहे होंगे ऐसी हम कामना करते हैं। आज के व्लॉग में हम कहां बढ़ने वाले हैं, खुद ही देखिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमने लेह इन एंड अराउंड का ट्रिप जो हमारा शेड्यूल था वो हमने लगभग पूरा कर लिया। हमारे जो मित्र आए थे अजमेर से उनको भी हमने विदा कर दिया, वो वापस अजमेर की ओर निकल गए हैं और हम लेह से अब बढ़ रहे हैं मनाली की तरफ। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 455 किलोमीटर्स है ऑलमोस्ट, पर हम इसे बहुत आराम से अगले 3 दिन में पूरा करेंगे। रास्ते में कोशिश करेंगे कुछ और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में रुकें, कुछ अन्य लोगों से बातचीत करने का प्रयास करें। तो रास्ता भी बहुत अच्छा है और आज देखते हैं, हम सुबह 8 बजे निकल गए थे लेह से और देखते हैं अब आगे कितना आज हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और कहाँ रुकते हैं। डिसाइडेड कुछ भी नहीं है, पर जहाँ पहुँचेंगे पहुँच कर आपको बताएंगे। तो अभी इस स्थान पे आके हमने एक होल्ड लिया है छोटा सा और आज सात्विक जी हमारे शेफ हैं, भोजन बना रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, बंद करो बंद करो बंद करो, अभी आप गैस गैस पे नहीं, सब पहले उसको कौन से नहीं, पर उसको मत बताओ अभी। बटर, ये हमारे कल के चावल जो बच गए थे अभी हम उनको ब्रेड में भरेंगे और फिर सैंडविच जैसे बना के फिर खाएंगे। प्लेट वाली खाने वाली चम्मच, अब वाला हूं इसको। और ये पहला सैंडविच जला दिया मम्मा जी ने। बस 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 बस, कैसे? बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी है। गुड़िया को थोड़ा सा जुकाम है और ऐसा भी लग रहा है थोड़ा सा बुखार भी है। एक बार टेम्परेचर लेंगे जीप के नीचे, जीप का मोटर चला लो। गुड़िया होट से दवाई उसको नीचे। तो अभी गुड़िया को बुखार है 102.4, पैरासिटामोल देनी पड़ेगी। मुझे लगता है थोड़ा सा कल जो जुकाम के कारण ही है। बिटिया को 102 बुखार था, वो तो चलिए एक बहुत सामान्य बात है, बुखार कहीं भी आ सकता है, पर दिक्कत ये थी कि अब हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे थे वहाँ न तो कोई नेटवर्क था न कोई मेडिकल सुविधा थी और ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिलने वाला था हमें, सिर्फ हमें ट्रैवल करना था। तो खा लोगी ना दवाई, दादी इसे खाती है, एक लो मुँह में फटाफट से पानी पी लो, पहले मुँह में एक लो से गिर ना जाए ना, पानी पी लो ज़्यादा से। लेट जाओ सो जाओ, है ना? लेट जाओ। गुड़िया को अभी दवाई दे देगी। अभी गुड़िया ठीक लग रहा है? हाँ ठीक है ना, अभी दवाई दे दिए थोड़ी देर में ठीक। मेडिकल हेल्थ सेंटर, जितना हमने लोगों से पूछने की कोशिश की, केलोंग से पहले कोई हेल्थ सेंटर नहीं था। सो वी जस्ट मूव्ड ऑन और हम इस प्रयास में थे कि एटलीस्ट हम सरजू पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पहुंच कर हमें कुछ उम्मीद थी कि कुछ तो भी वहां जाके मिलेगा। तो यहां से कहां जाएंगे? इधर अंदर जाके आपका घर, अंदर जाके घर है? नहीं, वो तो नीचे। अच्छा नीचे, वही बैठा है ना, वही हम लोग का। अच्छा
ठीक है जी। झूले जी कहाँ का है? अजमेर राजस्थान। अच्छा अच्छा झूले मैडम जी झूले जाना झूले। रास्ते में बहुत सारे पासेज मतलब मल्टीपल पासेज अब हमें क्रॉस करने थे, जिसमें से एक सबसे खूबसूरत पास था डांग लांग लांग, जो 17,582 फीट पे था। और जो वहाँ का दृश्य था, मतलब जब वहाँ चढ़ रहे थे तो इतनी फिल्मी बर्फ, मैं उसको बोलूँगा, जो लटक के क्रिस्टल्स या जो उसके मतलब लटकते लटकते बूंद गिरते गिरते जम गई, ऐसे से वहाँ पर सुंदर दृश्य हमें देखने को मिल रहे थे। सो फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड टंगलंगला पास, जो कि लगभग 17,500 फीट की ऊंचाई पे है। पर यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और ये देखिए, सिर्फ हम दो बाइकर्स हैं यहाँ पर और हमारी गाड़ी है। जो हमें एक चीज़ आश्चर्यचकित कर रही थी वो ये थी कि जब मैंने बातचीत करी थी जो लोग पूर्व में वहाँ पर जाके रिसेंटली आए थे, तो वो बता रहे थे, यार इधर से जाओगे तो रोड तो बहुत ख़राब मिलने वाला है। और हमें तो यार ऐसा रोड मिल रहा था कि हमारी गाड़ी पूरी लेह की ट्रिप में कहीं 80 की स्पीड पर नहीं चल पाई, और यहाँ पर तो इतना क्लीन स्मूथ रोड था। और हमें लग रहा था यार ये कोई ख़राब, मतलब ख़राब रोड कहाँ आएगा और कैसा होगा फिर, क्योंकि सबने कहा था रोड तो पर्याप्त ख़राब है मनाली की साइड अभी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और जब हम पंग पहुँचने वाले थे तो यार वहाँ आप देखेंगे, आपको लगेगा यार ये कोई नई दुनिया में हम आ गए शायद। ऐसा लगता था पहाड़ पे एक पूरी रियासत बसती हुई है, छोटे छोटे महल हैं, महल नुमा आकार के मिट्टी की आकृतियां वहां पर आपको पहाड़ पे बनी हुई देखने को मिलती हैं। और ऐसा ही लगता है जैसे कि पूरा एक शहर बसा हुआ है, पुरातन काल का, किसी एक सभ्यता का वो शहर बसा हुआ है। बीच में कोई एक बड़ी आकृति लगती है तो ऐसा लगता था कि कोई राजा का महल है। और इतना सुंदर वो दृश्य था, पर रुकना बस हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमें ठीक समय तक किसी एक डेस्टिनेशन पे एटलीस्ट सरचू तक पहुंचना था, तो वो एक थोड़ी सी जल्दबाजी थी। और पंग के आसपास के जो दृश्य थे वाकई बहुत फैसिनेट कर। जब हमने पंग से आगे बढ़ना शुरू किया तो वो जो असली हकीकत थी, क्यों हमें लोग कह रहे थे कि भाई रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ से हमें एहसास होना शुरू हो गया, क्योंकि रोड ख़राब होने शुरू हो गए थे। तो अब तक हम जो बहुत बढ़िया गति में चलते हुए आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं रुकावट महसूस होने लगी थी, और हमें लग रहा था कि कैसे पैचअप होगा, क्योंकि रोड वाकई बहुत ख़राब थे और सकड़े भी बहुत थे। मतलब एक स्थिति तो ऐसी आई जहाँ पर सामने से ट्रक आया और ऑलमोस्ट हम दोनों साथ में निकल पाए, इसके लिए हमें बिल्कुल लास्ट एज तक जाना पड़ा जो पहाड़ी का था। और हमारी श्रीमती जी तो आप जानते, मतलब आप क्या जानते, कोई भी हो तो लगता अरे गए 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 पर खैर जाते नहीं है पहाड़ी पे, इस प्रकार का तो समन्वय बिठाना ही पड़ता है। और यूं करके हम आगे बढ़ चले, सरचू अभी भी दूर था और सूरज जो था वो ढलने लगा था, रोड बद से बदतर होने वाली थी, मतलब हो गई थी पूरी डस्ट मड। और क्योंकि अब उसके आगे का हम शूट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सब एकदम मतलब मडी हो गया था पूरा, बिटिया की तबीयत ख़राब, वो बोल रही पेट में दर्द हो रहा है, बुखार उसको था ही, और
आगे जाके हमें ये, क्योंकि आगे हमारी कोई गाड़ी थी नहीं, तो हमें यही समझ नहीं आ रहा था कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सही बढ़ रहे हैं, गलत बढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था। बट अगेन फिर हम एक जगह रुके, हमने वेट किया कि पीछे से कोई गाड़ी आगे निकले तो हम एटलीस्ट रोड तो आइडेंटिफाई कर पाएं कि हम किस तरफ जाना है, क्योंकि रोड तो ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल। रात में कुछ बहुत ज़्यादा नज़र लगे क्योंकि हेडलाइट से आपको कितनी एक दूर दिखाई देगा। खैर कोई एक ट्रक निकला और वो जो कि हमसे थोड़ा सा दूरी पे था। देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ कि इस सब दृश्य को हम शूट नहीं कर पाए, उस वक्त एक हम एक संघर्ष की स्थिति में थे। तो हमसे कुछ दूर पे एक ट्रक निकला, देन वी गॉट आइडेंटिफाइड कि यार सड़क वो है, हम कच्चे गलत जगह खड़े हुए। तो हमने अपनी गाड़ी को मोड़ा, वहाँ पर यह भी डर लग रहा था कि व्हीकल रात को यहाँ फंस नहीं जाए, वहाँ पर मोड़ा और उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते करते हम जैसे तैसे सरचू पहुँचे। वहाँ पर हमने लोगों से पूछा कि भाई सरचू में कोई हॉस्पिटल, तो दे सेट रात तो हो ही चुकी थी, दे सेट कि कोई हॉस्पिटल तो ऐसा है नहीं, यहाँ पर आर्मी का एक कैंप है पर वहाँ भी अभी तो अनुमति जैसी तो मिलेगी नहीं, सुबह आप दिखाइएगा। सो फाइनली वी डिसाइडेड कि रात को यहीं होल्ड लें हम सरचू। एक रोड साइड, केवल उस रोड पे ढाबे थे तो ढाबे के साइड में हमने गाड़ी लगाई और हम रुक गए। फिर हमारी अगली सुबह थी वो सरचू में हुई और बहुत ज़्यादा ठंड थी। देखिए आप, तो दोस्तों सरचू की ये वो जगह है जहाँ पर आके हम रात्रि में पर्याप्त लेट हो गए थे जब हम यहाँ पहुँचे। और देखिए हर बार आपको नदी नहीं मिलती, हर बार बहुत सुंदर पहाड़ और बहुत सीनिक ब्यूटी जिस प्रकार की हम बात करते हैं उस प्रकार का ज़रूरी नहीं है उपलब्ध हो जाए। तो हमें जब अंधेरा हो जाता है ना, तो आपके पास जो ऑप्शन होता है उस जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होता है उसके लिए आप ऑप्ट करते हैं और अपनी गाड़ी को पार्क करके फिर नाइट होल्ड लेते हैं। तो यहाँ पर बस सरचू में कुछ नहीं है, नथिंग। एक आर्मी का बेस कैंप है और उसके अलावा ये छोटे छोटे जो टीन के आपको होटल्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं ये हैं। तो हमने एक होटल के जो संचालक थे उनसे बातचीत करी और उनके होटल के साथ में देखिए पीछे गाड़ी पार्क कर ली और हमने नाइट होल्ड लिया। गुड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा रात में ख़राब थी, पूरे रात भर वो पेट दर्द ऐसा करती रही। तो थोड़ा सा मुश्किल तो क्या बोलूँगा, चैलेंजेस आते हैं, हमें उन्हें फ़ेस करना होता है और फ़ेस करके आगे बढ़ना होता है। तो अभी भी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा तो ठीक नहीं है, हमने उनको रेंटेक दे दिया है। और गुड़िया कैसा है पेट दर्द अभी? अच्छा है, अभी थोड़ा सा बेहतर है। तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक नेटवर्क एरिया में हम नहीं आए, कोशिश करते हैं एक नेटवर्क एरिया में चलें, यहाँ से जल्दी दूध दलिया बनाएंगे। दूध दलिया बनाने के बाद नीचे की ओर बढ़ेंगे, जैसे ही हम नेटवर्क एरिया में आएंगे थोड़ा सा सेफ़ एंड सिक्योर महसूस करेंगे गुड़िया के परिप्रेक्ष्य में। अगर मान लीजिए इनकी जो स्वास्थ्य है वो ख़राब होता है तो अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके जो मेडिसिन हैं वो एक बार शुरू कर सकते हैं। रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब अब तक लेह की सारे जितने भी हम जगह गए उसमें सबसे ठंडी रात हमने कल यहाँ पर बिताई। पानी ऐसा था कि हाथ डालना बहुत मुश्किल था। सो एनीवेज बहुत अच्छा लगा, पर जो भी है मतलब एनीवेज इट इज़ वेरी गुड। और अभी कुछ ही देर में बस दलिया बना के हम यहाँ से आगे निकलेंगे और आपसे फ़ोन भी करेंगे, नंबर तो दे दीजिए। किसको फ़ोन करूँ? जो ये वीडियो देखते हैं उनको। अच्छा उनको, सात्विक जी बोल रहे हैं आपको फ़ोन करेंगे। सात्विक आइए, दूध दलिया बन गया, जल्दी आइए। तो अभी गुड़िया की तबीयत खराब है और उसको दूध दलिया खिलाई जा रहा है, उसके बाद गुड़िया दूध दलिया खाने से बढ़ रहा है। थोड़ा सा खा लो जितना मन कर रहा है। मत सबको बताओ क्या हो रहा है तुम्हारे। कितना तेज, इतना हो रहा है इतना सा। अच्छा सरचू तक तो यार बाप रे, रोड पता सरचू क्रॉस करने के बाद ये वाली क्रॉसिंग देखिए आप,
ये वाटर क्रॉसिंग इतनी स्लिपरी थी, मतलब एक तो एट अ टाइम एक व्हीकल निकल सकता है, और मतलब हमारा पहिया रोल कर गया, हमारी गाड़ी जैसे तैसे करके वहाँ से निकली। तो खैर रोड तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, एक्चुअली यूँ नहीं है कि वो रोड उसी प्रकार की थी। एंड हैट्स ऑफ टू बीआरओ यार, जो इतनी विकट स्थानों पे हमारे देश में रोड्स बनाते, वैसी कंसेक्यूटिव वाटर क्रॉसिंग्स थी वो बीच बीच में आई, जिनको हमने क्रॉस किया। हम केलोंग की तरफ बढ़ने लगे, हम भी जाते हैं अपनी गाड़ी के पास। रास्ते में एक और आर्मी पोस्ट आई जहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल था। हमें लगा यार यहाँ दिखाते हैं, हो सकता है यहाँ पर कुछ बच्चों की दवाई हो। तो अगेन शूट तो कर नहीं सकते थे, मैं वापस अंदर गया, वहाँ पर मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने वहाँ पर लकीली मुझे एक बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उन्होंने मुझे लकीली एक पाउच दिया, वो बोले पेट में थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हो गया तो आप इसको पिलाइए, और जैसे ही इसे मोशन होंगे जो पेट का दर्द है वो इसका बेहतर होगा। पैरासीटामोल हमने दे दी थी तो अब तक बुखार जो था उसका वो कंट्रोल में आ चुका था, पर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उसके हो रहा था जिसके कारण वो बीच बीच में विचलित हो जाती थी। अरे उन्होंने बोला जब झाग उठेंगे तब पीना है गुड़िया। हाँ झाग उठ रहे हैं ना इसमें। गिराना नहीं। पियो तभी तो ठीक होगी गुड़िया। अच्छा दवाई भी नहीं पियोगी तो कैसे ठीक होगी? जल्दी जल्दी गेट बंद कर दो ये। तो इन हसीन वादियों में घूमते घुमाते फिरते फिराते और जो हमारी स्थितियां थी उनसे संघर्ष करते कराते हम पहुंच गए जिस्पा, जहां पर हमने अपने गाड़ी का जो वाटर टैंक है उसको फिल करने की कोशिश की नदी के पानी से, पर उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाए, शायद कुछ टेक्निकल वहाँ पर दिक्कत आ रही थी। भूख बहुत तेज़ लग रही थी यार, तो हमने वहाँ पर पोहे बनाए और उसको एंजॉय किया। थोड़ा सा नदी से ऊपर आए, नदी किनारे हमें एक जगह मिली थी, वहाँ से ऊपर आए तो खेत थे बढ़िया गोभी के, और देखिए उन्होंने वहाँ से गोभी के फूल लिए। वाह, तो हमने ये खेत से खरीदे हैं दो ताज़ा गोभी, जिसकी 30 रुपए का एक फूल। एक यार मुझे तो मैं गिफ्ट कर दूं इनको एक फूल। और ये देखिए हम कैसे रिफिल करते हैं पानी, कि हमने इसका पाइप लगाया है जहाँ चश्मे का पानी, चश्मा मतलब जो नेचुरल वाटर आ रहा है, इसके नीचे हमारी जो मोटर लगी हुई है वो भी वर्किंग है। ये इसका आउटपुट, और ये फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ जा रहा है, और फिर यहाँ से ये जा रहा है ऊपर ओवरहेड टैंक में। इस प्रकार से जहाँ भी सुविधा मिलती है हम इस पानी को रिफिल कर लेते हैं, और पीने के लिए भी लगभग यही चश्मे का पानी इस्तेमाल होता है। अभी भी केलोंग हमसे कुछ दूरी पे था, तो फाइनली शाम होने से पहले हमें वहाँ पहुँचना था क्योंकि बिटिया को दिखाना था। तो हम फिर केलोंग की तरफ बढ़े, श्रीमती जी ने बिटिया को दिखाया, शी फेल्ट ऑलमोस्ट वेल, मतलब दवाइयाँ लेने के बाद वो थोड़ा ठीक हो गई। रात को केलोंग में एक पार्किंग थी, वहीं हम रुके। सुबह सुबह देखिए उस पार्किंग में से हम निकले। हर बार तो देखिए संभव नहीं हो पाता नदी का किनारा आपको मिले, तो अच्छी जगह जो भी आपको लगे सेफ है सिक्योर है वहाँ पर आप रुक जाइए, आगे बढ़िए।
आगे बढ़ना शुरू किया क्योंकि अब हमें अपने जो आगे के गंतव्य थे वो भी पूरे करने थे। वहाँ से फिर हम अगले दिन पहुँच गए मंडी। तो मंडी में जो एक IIT का कैंपस था उसकी एक जगह पर हमने अपनी गाड़ी लगाई। गाड़ी लगा के हम वहाँ रुके जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी मिल गया। जो वहाँ के गार्ड थे उन्होंने हमें सहयोग किया और हमें दे दिया। सो अगेन बिना नहाए धोए हम वहाँ से निकल गए कि चलो रास्ते में जो मिलेगा वहाँ पर इन सब सुविधाओं को पूर्ण करेंगे। रास्ते में हमें मिला एक हैंडपम्प, अच्छी वादियाँ, बादल एकदम बढ़िया शानदार। हमें लगा यार बस अब इस जगह रुक जाते हैं और यहीं पर ही जो अपने सुबह का स्नान इत्यादि है उसको पूर्ण करके भोजन करके 11 बज गए थे लगभग, भोजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आज एक संयोग था कि हमारे एक सब्सक्राइबर YouTube चैनल के हमें साथ में मिले, उन्होंने हमें आइडेंटिफाई किया और अभी हम साथ में भोजन कर रहे हैं। तो सर कैसा लग रहा है? ताज़ा ताज़ा गरम गरम भोजन। और देखिए आप लोग भी हमसे कहीं भी मिलेंगे तो हम आपके लिए कुछ कर पाए या नहीं कर पाए पर भोजन ज़रूर साथ करेंगे। कैसा लग रहा है लक्ष्य? लक्ष्य कैसा लग रहा है? लक्ष्य को अच्छा लग रहा है, बस बता नहीं पा रहे वो। तो चलिए हम ये जो आपको स्वादिष्ट भोजन दिख रहा है हमने बनाई है ब्रोकली की सब्जी, ब्रोकली और मटर, उसके साथ दही, उसके साथ चपाती। चपाती भाभी ने बनाई। चपाती भाभी ने बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करिए गुड़िया। सो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने जो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी थे हमारे अच्छे मित्र भी बन गए वो कुछ ही क्षणों में। वैसे तो मुझे लगता है कि जी जिनसे भी हमारी मुलाकात होती है सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। तो उनसे मुलाकात उतनी छोटी थी पर बहुत ही आनंद आया उनके साथ वो समय बिता के साथ में भोजन करके। हम उम्मीद करते हैं आप सब से भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर मुलाकात होगी। हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखते रहिए कारवां भारत, यूं ही हमें प्रोत्साहित करते रहिए, उत्साहित करते रहिए। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। नमस्कार, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।